man. मैं निवेदन करता हूँ, अभी जूतों पहने को तो सुन दे। अरे गाइड देखिए, हाँ हाँ देखिए, हाँ तो मिलेंगे। देखिए सबसे मिलेंगे पहले, उसके बाद अपने सब जो भी सभी का भाषण करवाएंगे। देखिए 31 बोरी शक्कर की तृप्तिलाल मीना, हमारे हमारे विधायक साहब श्रीमती इंद्रा मीना जी जी आपके बीच में पधार चुके हैं। हमारे विधायक साहब श्रीमती इंद्रा मीना जी जी आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमेटी के लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे बीच में विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री माननीय सचिव आयु जी बना रहे और कमेटी की तरफ से और गांव वालों की तरफ से और आम जनता की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत और सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कमेटी के लोगों के द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाएगा। माननीय पायलट साहब थोड़ा पधारे आगे बैठ जाओ। अच्छा पब्लिक के लिए हमारे बीच में घनश्याम महाराज है वो भी पहुंचे हैं, उनका भी इसमें कमेटी की तरफ से स्वागत और सम्मान। सोलन के साथ पूरे विधायक के साथ वो भी हमारे बीच में पहुंचे। राम नारायण जी भी हमारे बीच में विराजमान है, वो कई बार विधायक बन चुके हैं। माननीय सचिव पायलट जी का स्वागत और सम्मान। युवा उनके हृदय सम्मान सरपंच साहब हनुमान जी रामनायण जी का प्रदीप रमनायण सिंह सभी के सम्राट माननीय सचिन पायलट जी आप सबके बीच में पहुंचे हैं गुरु महाराज के दर्शन करने। और मैं कहना चाहूंगी पिछली बार यहाँ की 16वां निमार दिवस समारोह है और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। पिछली बार हमने सरकार से मांग की थी
कि ये गौशाला होनी चाहिए, तो आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो गौशाला के नाम अलॉट हो गई है और जल्द ही ये गौशाला बनने वाली है यहाँ पर। और आवासीय इदारे जो एक मॉडल आवासीय इदारे हमारे गुरु महाराज के नाम से स्वीकार हो चुका है और उसका पैसा भी आ चुका है। सभी भक्तों के लिए बड़े खुशी की बात है कि जो सरकार ने हमसे हमने सरकार से जो मांग की थी वो पूरी हो गई है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी पिछली बार आप भक्तों को बताना चाहूंगी कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हमारी सरकार ने चलाई। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे बीच में जसकौर जी भी विराजमान है, मैं कहना चाहूंगी कि योजनाओं का नाम बदल दीजिए, परियोजना चालू रख दो। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जसकौर जी को कहना चाहूंगी कि जसकौर जी हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री बदल रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दे, क्योंकि गरीबों का नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों के किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी देखिए भाई साहब, युवाओं से जगह सबसे निवेदन है, रुको भाई आप बिल्कुल अपने सब जिंदाबाद करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान घनश्याम जी दयाल साहब से कि अपना कम समय में वो संभाषण दे, उद्बोधन दे। शिवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद जी जो महान संत है हमारे, जो इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, नित्यानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और सभी सचिन पायलट साहब का इस धरती पर आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, ये धार्मिक नगरी भेड़ोली का जो आश्रम, ये बहुत गौरवशाली स्थान है। मैं पायलट साहब आपसे निवेदन करूंगा, आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। मैं अब पायलट साहब से निवेदन करूंगा कि आपके श्री मुख से बहुत जनता को लाभान्वित करे। विधायक इंद्रा मीणा जी, हमारे विधायक घनश्याम मेहर साहब, हमारी सांसद महोदया स्कॉर मीणा जी, रामलाल मीणा साहब, वेद सोलंकी जी, आदरणीय महाराज के आज हम सब ने दर्शन किए और इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, आपकी आस्था और विश्वास कितना कायम है। मुझे यहाँ पर पहले भी आने का मौका मिला और आज मैं आ रहा था जयपुर से, लेकिन मुझे आने बहुत देर हुई, बहुत से साथी हमारे वापस चले गए, रास्ते में कई जगह मुझे रुकना पड़ा, लेकिन सच में आज यहाँ पर आकर आप सब लोगों से मिलकर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलहवीं बार इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मुझे पहले भी आने का मौका मिला, आज दोबारा आया हूँ। और जो हमारे संत पुरुष हैं देश में, समाज में, जिन लोगों ने अपने त्याग तपस्या से लोगों में अच्छी भावना फैलाने का काम किया है, हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय हम सबके लिए कल्याणकारी हो और ये जो भाईचारा है, ये जो प्यार, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, त्याग, समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार हमारे इस धरती में, इस मिट्टी में, इस प्रदेश में, हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमको दिए हैं, उस रास्ते पर हमको चलना है। समाज बदलता है, समय बदलता है, लेकिन जो हमारी मूल भावना है एक दूसरे को मदद करने की, मान सम्मान करने की, परिवार में भाईचारा पैदा करने की, संत महात्माओं के त्याग को समर्पण कर कर उनकी सेवा करने की, इन भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप सब जानते हो इस क्षेत्र से, इस पूरे छत्तीस कौम के आप सब लोगों ने हमें हमेशा से आशीर्वाद दिया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपके हर काम में, हर मांग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम खड़े रहेंगे। आज तो सिर्फ महाराज हमारे आज तो महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ पर मंदिर में ढोक देने के लिए आपसे मिलने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ये मंच सिर्फ एक सामाजिक मंच है, इस पर राजनीतिक बात बोलनी नहीं चाहिए,
लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि समय कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, राजनीति में उतार है चढ़ावा है, हमारा आपका रिश्ता अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। और और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस ऊर्जा के साथ हमने अपने संबंध को कायम किया है, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है, सारा कुछ मैं करूं और आप कुछ नहीं करो तो फायदा नहीं, और आप ही देते रहो और मैं कुछ नहीं करूं उसका भी कोई फायदा नहीं। आपसी संबंध प्रेम और भाईचारा बनाने से बनते हैं, रिश्ते बनाने से कायम होते हैं। और सुनो, रिश्ते बनाना आसान है, रिश्ते निभाना मुश्किल है, इसलिए मैं हमेशा आपका रिश्ता निभाता रहूंगा, इस बात का आपको वादा कर कर जाता हूँ। और आज मैं भी गाड़ी में बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत दिन कोहरा रहा, सुबह धुंध बहुत होती है दोपहर तक, आज का जो दिन था वो शुभ था, पूरा आसमान खुल गया, ऐसी धूप आई है बढ़िया, मैंने पहले बोल दिया था आज धूप आएगी, तो अच्छे माहौल में अच्छे मौसम में आप सबसे मिलने का मौका मिला। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, भगवान आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां डाले, आप मुस्कुराते रहो, फलो फूलो आगे बढ़ो, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए, आपका हमारा जो प्यार का संबंध है वो हमेशा बना रहे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, बोल बस्ती माता की जय, बहुत बहुत धन्यवाद, राम 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 राम। माननीय सचिन पायलट जी यहाँ पधारे, उनके लिए आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी। 2016 में पहले सचिन पायलट जी यहाँ पधारे थे, अब 2024 के अंदर वापस दोबारा यहाँ आपके यहाँ आश्रम पे पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप आराम से देखिए, धक्का मुक्की नहीं करे, मंच पे कोई भी निकल दिया ऐसे नहीं, व्यवस्था गर्म मत करो, मंच पे कोई नहीं, मंच टूट जाएगा, भजन ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि मंच पर कोई भी नहीं चढ़े, आराम से सुन लिया है पायलट साहब को, वैसे भी वो युवाओं के हृदय सम्राट है, हम सबके लाड़ रहे हैं और हमारे सबके बीच में आए हैं, और उनका भाषण अति सराहनीय रहा है, सभी को साथ लेकर देखिए, ये एक धार्मिक